हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फोर्थ क्लास सिक्स, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेवन चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। बेटा हम लास्ट लेक्चर में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, एट चल रहा था, नाइन टेन आपके हम बाद में देखेंगे, अभी इलेवन चैप्टर, इलेवन के बाद आप ट्वेल्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, देखिए हमारी पोएम है सी फीवर, मतलब जो सी को फीवर मतलब समुद्र के लिए जो एक क्या होता है फीवर है। What do we expect to see on a sea journey? मतलब वो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक समुद्र की जर्नी को देखकर। I must go down the sea again to the lonely sea and the sky. And all I ask is the tall ship and a star to steer her way. And the wheels kick and wind song and the white sails shaking. And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. Okay, I must go down to the seas again for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blow is प्यूम मीन्स होता है फॉर्म ऑन बेब्स एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। आई मस्ट गो डाउन द सीज अगेन टू द बैकग्राउंड वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस गिप्सी लाइफ टू द गुल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द वाइंस लाइक ए वैटेड मीन्स होता है शार्पिन नाइफ एंड All I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Okay, John Masefield. ये किसने लिखी है? John Masefield ने। इसमें क्या बताया गया है? मुझको कहाँ जाना चाहिए? I must go down to sea again. मुझे फिर समुद्र के मतलब समुद्र में मुझे फिर से जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए। टू द लॉन्ली सी, उस अकेले सी को देखने के लिए। एंड द स्काई, और वहाँ पे जो अकेला एकदम आसमान है उसको देखने के लिए। एंड ऑल सभी से आई आस्क ए टॉल शिप, और मुझे टॉल शिप से क्या पूछना चाहिए? एंड स्टार टू स्टीर हर वाई, और किस तरीके से वो स्टार के पास पहुँचता है उससे ये हमें पूछना चाहिए, ठीक है। एंड द व्हील्स किक, और उसके जो व्हील्स होती हैं उसकी जो किक होती है। एंड द वाइंड सॉन्ग, जिससे कि वो हवा जब समुद्र में शिप चलता है ना शी में तो क्या करता है, हवा फिर गाना गाने लगती है जब वो लहरें वेव्स उठती हैं ना। एंड वाइट सेल, और जो उसकी वाइट सेल होती है वो शेकिंग करने लगती है, शेक मीन हिलने लगती है। एंड ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस, और जो ग्रे कलर की होती है जो समुद्र का हमारा फेस होता है। एंड ग्रे डॉन ब्रेकिंग, तो वो सबको क्या करती है, तोड़ती हुई चट्टानों को चीरती हुई आगे निकल जाती है। ओके, आई मस्ट गो टू सीज अगेन, मुझे फिर से कहाँ जाना चाहिए, सी को देखने जाना चाहिए। फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड, और जो मुझे ये बुलाती है दौड़ने के लिए, और जो वाइल्ड कॉल करती है एकदम क्लियरिटी होती है वहाँ पे, और क्लाउड्स ऐसे लगते हैं कि वो वाइंडी हवा, जो हवा चल रही है, वाइट क्लाउड फ्लाइंग, और जो वाइट क्लाउड्स हैं वो कैसे फ्लाइंग कर रहे हैं, वाइट क्लाउड फ्लाइंग कर रहे हैं। ओके, वो वाइट क्लाउड फ्लाइंग कर रहे हैं, और सी हमारा क्राई कर रहा है, जो उसकी वेव्स होती है ना उनमें जो तरंगे होती हैं उनमें जो आवाज़ होती है वो क्राई कर रही है। ओके, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, हमें सी मतलब दोबारा समुद्र में चलना चाहिए। वो अगेन मीन्स क्या होता है, उस गिप्सी लाइफ को देखने के लिए, जहाँ पे क्या होता है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुँच जाते हैं। एंड आई आस्क ए मैरी यर्न फ्रॉम ए लाफिंग येलो फ्लावर, और मैं ये पूछना चाहता हूँ वो ऐसा शांत मतलब इस तरीके से एक शांत और स्वीट ड्रीम और कैसी नींद, अच्छी नींद। वैन द लॉन्ग ट्रिक्स ऑवर, और जब उसके ऊपर लोग क्या करते हैं एक लंबी
ट्रिप उस पर जाते हैं ना हम लोग यात्रा पे, समुद्रीय यात्रा में, तो वो कितनी शांत होती है, क्वाइट एकदम, जैसे कि रात शांत होती है, जैसे कि कोई हम एक अच्छा सा सुंदर सा सपना देख रहे होंगे। ओके, ये लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है और नोट डाउन योर होमवर्क। देखिए बेटा, होमवर्क में आप क्या करेंगे, होमवर्क में आप इसके सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, आपको ये टिक दी ऑप्शंस करने हैं, रीड टू आंसर एंड टर्न योर पेज, पेज नंबर 142 पे देखिए आपकी क्वेश्चंस दे रखे और डिस्कस टू हाउ आपको नहीं करना है, डिस्कस टू हाउ आपको नहीं करना है, डिस्कस टू आंसर आपको नहीं करना है, और ये वाले क्वेश्चंस आपको अपने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू क्लास।